गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पेन से संबंधित गोल्डन रूल पढ़ेंगे। उनके द्वारा हमें पेन्स का पूरा ज्ञान न हो तो भी हम करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ गोल्डन रूल बता रहा हूँ। कल हमने तीन गोल्डन रूल के बारे में बात की थी, आज हम चौथे गोल्डन रूल के बारे में बात कर रहे हैं। यह है कि यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई मॉडल हो, कोई मॉडल जिसमें मॉडल आपको पता है कैन कूडे विले वुडे मे माइट सेल सुडे मस्ट ओटू लेट, यानी ये मॉडल है। तो यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई मॉडल हो तो और उसके बाद में रिक्त स्थान हो और उसके बाद रिक्त स्थान हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी क्वेश्चन में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है और वो आपको सेम टू सेम लिखनी है। यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई मॉडल हो तो उसके बाद रिक्त स्थान हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ही इज यंग, ही कैन, आपको रन की सही फॉर्म भरनी है फास्ट। तो यहां पर रिक्त स्थान से पहले क्या है, मॉडल है, रिक्त स्थान से पहले क्या है, मॉडल है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहां पर वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म भर देंगे, ठीक है। तो ही इज यंग, ही कैन रन फास्ट। तो एक तो ये गोल्डन रूल रहेगा कि रिक्त स्थान से पहले कोई मॉडल है और वहां पर आपको वर्ब की सही फॉर्म भरनी है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देना, ठीक है। इसके बाद में एक गोल्डन रूल और बता रहा हूं, ये गोल्डन रूल रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का गोल्डन रूल ये रहेगा कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी जस्ट येट सो फार जस्ट नाउ हो तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कहने का मतलब है यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी जस्ट येट सो फार
और जस्ट नाउ, इनमें से कोई एक वर्ड आपको मिले तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भरेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी सेंटेंस में नाउ आता है तब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर जस्ट नाउ आता है तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ही ऑलरेडी आपको गो की सही फॉर्म बननी है टू स्कूल, ये सेंटेंस है। तो आपने देखा कि यहां पर क्या आ गया है, ऑलरेडी आ गया है, क्या आ गया है ऑलरेडी। तो आप क्या करेंगे यहां पर हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे। तो ही है, ही के साथ क्या लगता है हैज, और यहां पर गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गो, वेंट, गॉन होती है, क्या होती है गॉन। तो ही हैज ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। इसी तरीके से और सेंटेंस देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर है टू, मोहन ईट की सही फॉर्म बननी है फूड जस्ट, ठीक है। तो यहां पर जस्ट मिला है तो आप क्या करेंगे हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो मोहन एक वचन है तो यहां भरेंगे आप हैज ईटन, मोहन हैज ईटन फूड जस्ट, ठीक है। इस प्रकार आप प्रेजेंट परफेक्ट का गोल्डन रूल है, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल, ये कक्षा 10 में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। कक्षा 10 में यहां से कंफर्म पर्सन आएगा इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, और कोई भी एग्जाम देते हैं आप, चाहे आप सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे आप पटवारी का हो, या चाहे किसी भी एग्जाम से संबंधित अगर पर्सन आता है, तो टेंथ से संबंधित पर्सन है तो यहां से पर्सन कंफर्म आता है, और ये रूल रहेगा बिफोर और आफ्टर का। यहां से पर्सन कंफर्म आएगा बिफोर और आफ्टर। तो इसमें रूल ये कहता है कि अगर एक तरफ यानी जैसे बिफोर है या आफ्टर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, ठीक है। एक तरफ तो क्या करनी है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। अगर सेकंड फॉर्म आपको दी हुई है तो दूसरी साइड में आप क्या कर देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे यानी एक साइड में आपको सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आप क्या करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे, या आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो आप क्या करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे। समझाई बात, यानी बिफोर या आफ्टर में क्या होता है कि सेंटेंस में एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी एक तरफ सिंपल पास्ट और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर, यहां पर आपको कम की सही फॉर्म भरनी है, क्या करना आपको कम की सही फॉर्म भरनी है। तो द पेशेंट हैड डाइड, यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी आपको। पहले तो आप देखिए सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर है या नहीं, तो यहां पर आपको बिफोर दिखाई दे रहा है। अब देखिए आपको सेकंड फॉर्म या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं दिखाई दे रही है, तो हैड है, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर आप क्या भर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे। तो कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। The dog, the patient had died before doctor came. इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, the
ट्रेन टी आर ए आई एन ट्रेन खाली जगह एल ई ए बी ली बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो द ट्रेन बिफोर, बिफोर का रूल है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि सेकंड फॉर्म है या नहीं। तो यहां पर क्या है, सेकंड फॉर्म दी हुई है, रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच। तो यहां पर आप क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन देंगे। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट एल ई एफ टी द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, the गेस्ट गो की सही फॉर्म बननी है आपको बिफोर आई केम टू हाउस। तो द गेस्ट बिफोर, यहां पर बिफोर दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है आपको, तो आप क्या करेंगे, हैड प्लस ए वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे। तो द गेस्ट हैड गॉन, हैड ए गॉन, तो द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई केम टू हाउस। तो ये बिफोर आफ्टर का रूल रहेगा। अब मैं आपको एक रूल और बता देता हूं, अगर किसी वाक्य में नाउ नाउ डे दिस डे और विश्वबोधि चिन्ह, ठीक है, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे ही खाली जगह गो की सही फॉर्म बननी है आपको टू चूरू और यहां पर आपको नाउ दिया गया है। तो आप समझ गए यहां पर नाउ है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ठीक है। यानी अगर नाउ अकेला है तब आपको बनना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ ही आई एन जी होता है। और अगर जस्ट नाउ होगा तो क्या करना है, जय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं एक रूल और बताता हूं आपको, कि अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में वहन या वाहिल हो तो, अगर किसी वाक्य में वेन या वाहिल हो तो एक तरफ सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट कर लो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तथा दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वाज या वर प्लस वर्ब के साथ है आई एन जी लगेगा, ठीक है। जैसे
when I were eating food, I hear की सही फॉर्म बननी है a noise, तो यहां हो जाएगा yelled, h e a r e d, yelled, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आज के अपना वीडियो यहीं तक रहेगा, थैंक्स। और अगर कोई भी समस्या है उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई अच्छी बात लगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स।